हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रिक इक्वेशंस। फर्स्टली वी विल नो दैट कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस। पता है आपको लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? वन वेरिएबल्स में भी होते हैं और टू वेरिएबल्स, मीन्स एक्स वन वेरिएबल, एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स। क्वाड्रिकेशंस होती है वन वेरिएबल्स में, जैसे टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में टू। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो नेगेटिव में आई है। मतलब क्या है, ये रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव। मतलब हमारे पास जो वैल्यू क्या आई है, हमारे पास ये नेगेटिव आई है, नो रियल है, हमारे पास ये रियल नंबर नहीं है। तो ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखो हमारा आंसर क्या आया है, माइनस वन। एक्स का जब इसके ऊपर हम रूट ले लेंगे, रूट ऑफ माइनस वन बन गया ना अपने पास, रूट ऑफ माइनस वन। रूट ऑफ माइनस वन का मतलब क्या है, आयटा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन। ये स्क्वायर है उधर के, रूट बन जाएगा, मतलब माइनस वन ऑफ रूट, उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ऑयटा आएगी। आपने सिंपल याद रखना है कि ऑयटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन होता है। ऑयटा स्क्वायर की अगर हमारे पास माइनस वैल्यू गिवन है तो हम इसे कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ऑयटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो ऑयटा फोर की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। देखो बेटा उसके बाद क्या है आपके पास, इफ़ 4x प्लस ऑयटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस ऑयटा ऑफ माइनस 6 है। x y दोनों रियल नंबर है, तो इसमें से हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे बेटा, 4x प्लस ऑयटा 3x माइनस वाई। देखो 4x है, विदाउट ऑयटा है, इक्वल टू में देखो 3। ये हम रियल नंबर लेके चलेंगे। ऑयटा मीन्स क्या है हमारे पास, इमेजनरी नंबर है। ऑयटा हम क्या लेके चलते हैं, इमेजनरी नंबर। विदाउट ऑयटा क्या होता है हमारे पास, वो रियल नंबर होता है। 4x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3। मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। फिर देखो इमेजनरी, इमेजनरी मीन्स ऑयटा, ऑयटा वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लो। 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 6। अब हमारे पास x की वैल्यू है, 10th क्लास में करते थे, अगर हमारे पास a की वैल्यू आती थी तो हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। ऐसे हमारे पास x की वैल्यू है तो हम x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी टाइप से हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, रियल रियल को इक्वल रख के, इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल रख के। उसके बाद क्या है, एडिशंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, के हमने एडिशन कैसे करना है टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कैसे करना है एडिशन, हमारे पास क्या है बेटा, देखो 2 प्लस ऑयटा 3, बीच में प्लस का साइन है, माइनस 6 प्लस ऑयटा 5 है। हमने इनका एडिशन करना है, रियल रियल नंबर में जोड़ देंगे और इमेजनरी इमेजनरी नंबर में जोड़ देंगे। देखो 2 और माइनस 6 रियल नंबर है, मींस विदाउट ऑयटा है, 2 ऑफ माइनस 6, बीच में प्लस का साइन, फिर हम इमेजिनरी नंबर लेके चलेंगे 3, बीच में प्लस का साइन है और 5। 2 माइनस 6 क्या होता है, माइनस 4, 3 प्लस 5 क्या होता है, 8। तो इसी टाइप से आपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेटा